Hi friends, my name is Shubham and I'm one of the faculties at Rockforsure. Aaj hum start karne ja rahe hai, that is 8 step by step guide to play your very first song on guitar. Hi friends, ab jante hain guitar ke body parts ko hum log kis naam se bulate hain? Ye is portion ko hum log kehte hain headstock. Ise hum log kehte hain tuning key, jise tight ya loose karke hum log guitar ko tune karte hain. Then ye jo portion hai, ise hum log kehte hain neck. आगे जो बना हुआ है पूरा पोर्शन इसे हम लोग कहते हैं फ्रेटबोर्ड। फ्रेटबोर्ड पे ये जो मेटल बार है इसे हम लोग कहते हैं फ्रेट लाइन। जो ये बॉक्सेस है इसे हम लोग कहते हैं फ्रेट। इन बॉक्सेस के ऊपर आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे इसे हम लोग कहते हैं पोजीशन मार्कर्स, जो कि ऑड नंबर ऑफ फ्रेट्स पे होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9। देन इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ गिटार, जिसमें यह है टॉप, साइड, बैक। देन इस पे ये है ब्रिज, एंड जो वाइट ये पोर्शन है प्लास्टिक का इसे हम लोग कहते हैं सेडल, और ये है साउंड होल। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि गिटार को प्रॉपरली होल्ड कैसे करना चाहिए। आप अपना बैक स्ट्रेट रखें, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे लेग्स प्रॉपरली एक प्रोपोर्शन में है, आप वैसे अपने लेग्स को रखिए। इसके अलावा फ्रेंड आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लेग्स ऐसे फोल्ड ना हो, राइट, एकदम ऐसे नीचे ना हो, राइट, गिटार बहुत ज्यादा ऐसे नीचे ना हो। तो प्रॉपरली आप ऐसे बैठिए, अपना बैक स्ट्रेट रखिए। देन गिटार पे जो कट है इसको आप अपने राइट थाई पे रेस्ट करवा लीजिए। आप गिटार को, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आप इनिशियली थोड़ा ऐसे टिल्ट करके रख सकते हैं ताकि गिटार का फ्रेटबोर्ड आपको प्रॉपरली दिखे। एंड देन आपका जो राइट हैंड है इस गिटार के बॉडी पे प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है तो आप अपने थंब को थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे फंसा दीजिए। एंड देन आपकी जो फिंगर्स है ये नीचे फ्रीली मूव करनी चाहिए। कोशिश करिए कि ये ऐसे ना हो, बस हम यहाँ पे फंसा हुआ हो और ये हैंड प्रॉपरली नीचे फ्रीली मूव कर रहा हो। अब देखते हैं कि जो गिटार पिक होती है या जिसे हम लोग प्लक्ट्रम भी कहते हैं उसे प्रॉपरली होल्ड कैसे करना चाहिए। तो प्लक्ट्रम राइट हैंड से होल्ड किया जाता है, जिसमें आपको आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो ऐसे फोल्ड कर देनी है। देन आपको प्लक्ट्रम में जो ब्रॉडर एरिया दिख रहा है उसे आपको उस इंडेक्स फिंगर पे ऐसे प्लेस कर देना है और अपने थंब से ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि इसकी स्ट्रेंथ जो आप लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। इससे ये होगा कि आपका गिटार हार्श साउंड करने लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे लूज होल्ड करेंगे तो देन ये पिक आपके हाथों से स्लिप करेगी। तो आप मॉडरेट स्ट्रेंथ रखिए जिससे आपका गिटार अच्छा साउंड करे। तो अब फ्रेंड्स गिटार को प्ले करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गिटार इन ट्यून हो। गिटार में 6 नंबर ऑफ स्ट्रिंग होती है जिनकी काउंटिंग इस थिनेस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है, एंड हर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर नोट पे ट्यून होती है। जैसे सबसे पहली स्ट्रिंग ट्यून होती है ई नोट पे, दूसरी स्ट्रिंग ट्यून होती है बी नोट पे, थर्ड स्ट्रिंग होती है जी नोट पे ट्यून, फोर्थ स्ट्रिंग डी पे, फिफ्थ स्ट्रिंग ए पे, एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग ई पे। इन स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के लिए हम ट्यूनिंग कीज का सहारा लेते हैं। ट्यूनिंग कीज को टाइट करके या लूज करके गिटार को ट्यून किया जाता है। अब ऊपर की जो तीन स्ट्रिंग्स है, दैट इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग, ऊपर की तीन ट्यूनिंग कीज से ट्यून होती है। अगर आप इन ट्यूनिंग कीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये स्ट्रिंग टाइट होने लगेगी। अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ऊपर वाली तीन स्ट्रिंग लूज होने लगेगी। लेकिन अगर इन नीचे वाली जो तीन स्ट्रिंग है जिनकी ट्यूनिंग कीज नीचे है, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्ट्रिंग लूज होने लगेगी, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्ट्रिंग टाइट होने लगेगी। अगर मैं इसे समराइज करूं तो ऊपर वाली तीन स्ट्रिंग के लिए जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन नीचे वाली तीन स्ट्रिंग के लिए होगी। इसको टाइट करना है या लूज करना है ये आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम है गिटार ट्यूनर, जो कि iOS और एंड्रॉयड पे इजीली अवेलेबल है। वो आपको काफी अच्छे से बताएगा कि कौन सी स्ट्रिंग को टाइट करना है, कौन सी स्ट्रिंग को लूज करना है।